नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंब्रा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हाशिम भाई, जिस तरह से आपने अभी बताया कि आपके एरिया में जो है पानी का बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि यहाँ पे इनलीगल लाइन बहुत सारी हो गई है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के न्यूज़ के माध्यम से मैं बता दूँ कि वार्ड नंबर 30 में मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे मुंब्रा में जितनी इनलीगल लाइन नहीं मारी जाती है वो पूरी आके वार्ड नंबर 30 में रुक जाती है। मैं जब बागुले साहब थे हमारे, जब से कंप्लेंट करते हुए आ रहा हूँ और आज तक करते आ रहा हूँ। मैंने दो कंप्लेंट सलीम पलंबर पे भी किया था और उसी को देखते हुए जब उसको वार्ड से भगाया गया, उसको भगाने के बाद अभी कुछ मेरे वार्ड में कुछ हमारे जिम्मेदारी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग हैं, हमारे वार्ड के ही कुछ जिम्मेदार लोग हैं जो वो बोलते हैं कि हम दादागिरी से इधर पे हम लाइन मारेंगे, टाइपिंग मारेंगे, हमारा भी पेट है, हमारा भी सब है। तो मैं बीच में जब ऐसा मैंने सुना, और मैं असल में थोड़ा बिजी रहता हूँ कोविड सेंटर में, वहाँ से जब मैं आया तो मैंने यहाँ पे देखा कि वहाँ मैं एक घंटा हॉस्पिटल में रहता हूँ, यहाँ आने के बाद मैं देखता हूँ कि 3 से 4 लाइन यहाँ पे पानी की टाइपिंग की हो जाती है। इलीगल ही है ऐसा, मैं मेरे को कोई इलीगल से इनके कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पर्सनल घर के लिए इनलीगल लाइन लेना नुकसान है, क्योंकि जितना वो बिल्डिंग को पूरे घर को पानी पहुंचता है उतना अगर एक इंसान के घर में पानी पहुंचता है तो वो नुकसान है। अगर वो एक पर्सनल घर के लिए लेता है तो उसमें मेरे को कंप्लेंट करने का कोई नहीं है। हाशिम भाई, कुछ लोगों का ये कहना है कि इनलीगल लाइन जो है आप लोग जो है खुद ही लगवाते हैं और खुद ही कटवाते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई भी मैंने जैसा अभी TMC को सबूत दिया है, राणे साहब जो है, हमने जफर नुमानी से बात किया, नेहा नायक से बात किया, उन लोग ने सीधा हाथ उठा लिया, ब्लॉक प्रेसिडेंट जावेद मेडिकल से बात किया, उनका कोई उस लाइन से लेना देना नहीं है। मैंने यहाँ तक कि ऐसा जो आरोप लगता है, मैं आरोप के लिए भी आपको जैसा मैंने TMC को सबूत दिया है वो भी मुझे कोई ऐसा सबूत दीजिए कि अगर मैंने मारा है टाइपिंग, मैंने अगर टाइपिंग करवाया है, मैंने अगर टाइपिंग का पैसा लिया है, तो आप ऐसा सबूत दीजिए। और अगर उनके पास सबूत नहीं है तो इसका मतलब वो झूठे हैं। और मैं TMC के जो हमारे जो ऑफिसर आए हुए थे उनसे मैंने ये भी एक रिक्वेस्ट की है कि पर्सनल घर में वार्ड नंबर 30 की मैं बात करता हूँ कि पूरी बिल्डिंगों में कम से कम एक बिल्डिंग में 6-6 लाइनें जो पर्सनल घर में हैं, तो उनसे मैंने ये भी अपील की है, आपसे रिक्वेस्ट उनसे किया है मैंने कि उस जो लाइन है उसको, पर्सनल लाइन है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर ऐसा कोई TMC का फाइन होता है वो लीजिए और उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, उनका मोटर सब कीजिए। वहीं मुंब्रा का उत्सव में पानी की तकलीफ हर जगह पर है, इसके बावजूद भी यहाँ पर लोग पर्सनल लाइन लिए जा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं पानी विभाग के लोगों की भी लापरवाही कही जा सकती है, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर वो तकलीफ है तो वो सबके लिए है, वो पूरे वार्ड के लिए है। अगर पर्सनल लाइन है तो उनके लिए वो पानी हो जाता है, तो वो तो उतरेंगे भी नहीं लड़ने के लिए अगर पानी की किल्लत हो तो। लेकिन अगर पर्सनल उनके लिए लाइन है तो उनको कोई एहसास ही नहीं होता है नीचे क्या हो रहा है ऊपर क्या हो रहा है, उनके घर में तो पानी पूरा है। हमारे एक दरगाह मस्जिद है, उधर पे कई दिनों से पानी नहीं है और आप दिखा भी सकते हो और देख भी सकते हो कि उसमें बोरिंग के पानी से मस्जिद के लोग वजू कर रहे हैं। उतनी तो शर्म आनी चाहिए जिन्होंने पर्सनल लाइन लिया है उनके लिए, और पहली बात तो इलीगल पानी लिया है, उससे बड़ा तो हराम काम कोई नहीं है मेरे लिए। अच्छा, यहाँ कितनी बिल्डिंग, एक एक बिल्डिंगों में कितनी कितनी लाइनें गई हैं? 6-6 5-5 लाइनें एक एक बिल्डिंगों में। लगभग कितनी बिल्डिंग है यहाँ पर ऐसी? बिल्डिंग तो ऐसी कई है, 15-20 बिल्डिंग है, उससे सब जगह पे ऐसी पर्सनल लाइन है, सब जगह पे पर्सनल लाइन है। मस्जिदों में नहीं है पर्सनल लाइन, लेकिन लोगों के घरों में है, तो कहीं ना कहीं पानी विभाग की लापरवाही है ही है ना। अगर पानी विभाग के लोग सिर्फ वो उनकी बिल्डिंगों की ही कार्रवाई करते हैं, पर्सनल लाइन मैंने, राणे साहब आए, उन्होंने 2 लाइन को काट के उन्होंने भूज भी मारा है और मैंने उनको दिखाया है कि बिल्डिंग में आप लाइन देखिए कैसे कैसे गई है, 3-3 माले से 3-3 माले तक पाइप जाता है ऐसा एकदम फ्रंट पे, तो आप बताइए 3-3 माले तक अगर वो पानी खींचते हैं तो नीचे दूसरे की टाकी में क्या पानी जाता होगा। मेरे इधर पे कुछ 7 दिन से पानी नहीं है। इस संदर्भ में आपने कोई लिखित शिकायत की? नहीं, लिखित शिकायत इसके लिए नहीं की क्योंकि जब मेरी राणे साहब से बात हुई उन्होंने बोला है कि मैं खुद आऊँगा उस वक्त मैं कार्रवाई करता हूँ, इतना सब करने की बोले ज़रूरत नहीं है, मैं कार्रवाई आपके बोलने पे करता हूँ, और उन्होंने खुद आया और उसको लीगल इनलीगल देखते हुए उन्होंने इनलीगल करके उसको काट के दिया है। लेकिन जिसने ये लाइन दिया है
मैंने उसकी भी उनको कंप्लेंट किया है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उसके ऊपर कोई केस नहीं किया है, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर जब तक के दो तीन लोगों पे केस नहीं किया जाएगा तो ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं। और वो फुल दादागिरी से बोलता है कि मैं इसी तरीके से लाइन मारते रहूँगा और इलीगल लाइन देते रहूँगा, जिसको जो करना है कर लूँ। टीएमसी अधिकारी और यहाँ की सत्ताधारी पार्टी से क्या अपील करना चाहेंगे? यहाँ की सत्ताधारी पार्टी से तो मैं कोई अपील ही नहीं कर सकता हूँ, रहा नगर सेवक है तो उनसे मेरी कुछ अपील रहती है कि आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दें। अगर पानी की समस्या होती है तो आप लोगों का जिस तरह वहाँ पानी प्रवाह में आप लोगों का ध्यान रहता है, उसी तरह आप वार्ड के अंदर ध्यान दें कि अगर कोई इनलीगल लाइन मारता है तो आप तुरंत उसके ऊपर एक्शन लें, कि मुझे लड़ने की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद लड़ लें उनसे। जैसे अभी आपने कहा कि राणे साहब ने कार्रवाई करते हुए कुछ लाइन काटी, तो कितनी लाइनों को इलीगल बताते हुए काटा गया है? उन्होंने दो लाइन को जो है बूझ मारा है, उन्होंने चेक नहीं किया वो इलीगल है कि लीगल है। इलीगल है, लेकिन वो पानी उसमें से लीक हो रहा था, उसके लिए उन्होंने उसको बूझ मार दिया है। और सेकंड बात ये रही कि अभी जो एक पौने की लाइन जो उन्होंने कार्रवाई की है, जो वो तीन माले पे गई थी लाइन, उन्होंने जाके पूरा अंदर ग्राउंड से लेके उन्होंने पीछे तक का उन्होंने देखा और उसके बाद उस लाइन को उन्होंने कट किया है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना।